जबलपुर से आ रही बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, जहां एमपीबी इंजीनियर के सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इंजीनियर की पत्नी ने ही दो युवकों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इंजीनियर पति और पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और ये पूरी ही घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोरखपुर थाना के हाथीताल की ये पूरी ही घटना बताई जा रही है, जहां एमपीईबी इंजीनियर के सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। देवजीत हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि एमपीईबी इंजीनियर के सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या है पूरा मामला? रोमिता जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये गोरखपुर के हाथीताल का है, जहां पर जो है एक एमपीवी के उन्हीं पत्नी है, उन्होंने जो है दो युवक के साथ जो है ताला तोड़कर घर में चोरी को अंजाम दिया है। कुछ नगद थे जो कि 35,000 नगद था, उसको भी चोरी करके कुछ गहने थे वो भी निकाल जो है वो ले गई है। वो खुद जो है जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, क्या जो युवक हैं और जो इंजीनियर की पत्नी है उस पर कोई कार्रवाई अब तक की है पुलिस ने? इनके ऊपर जो है मामला दर्ज किया है। अब जो है पुलिस इनको छानबीन कर रही है। जो है ये इंजीनियर की जो वाइफ थी वो यहाँ पर अभी नहीं है और पुलिस जो है उनकी छानबीन कर रही है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।